अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? चार घंटे आपने कल जो हमारा हड़फड़ हुआ था वो आपको मालूम है। بسم الله الرحمن الرحيم آج یہاں محترمہ مریم نواز صاحبہ کی میزبانی میں پی ڈی ایم کا ایک ہنگامی سربراہی اجلاس منعقد ہوا اس میں کچھ چیزیں جو اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ وضاحت کے ساتھ قوم کے سامنے پیش کی جائیں اور اگر کوئی کسی پہلو میں ابہام ہے تو اسے دور کر دیا جائے تو اس حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ 31 دسمبر تک پی ڈی ایم کے ارکان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی اپنے استعفے اپنی اپنی جماعت کے قائدین کو پیش کر دیں گے آج ہم حکومت کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ 31 جنوری تک حکومت مستعفی ہو جائے اگر 31 جنوری تک حکومت مستعفی نہیں ہوتی تو پھر سربراہی اجلاس 1 فروری کو اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ کا اعلان کر دے گا اور اس کی تاریخ کا فیصلہ بھی اسی میں کیا جائے گا تاہم پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کے کارکن اور پاکستان کے عوام سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ آج ہی سے لانگ مارچ کی تیاریاں شروع کریں کل جو انتہائی تاریخی اور فقید المثال اجتماع یہاں لاہور میں مینار پاکستان پر منعقد ہوا اس میں جہاں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اساسی مقاصد کا اعلان کیا گیا انہی بنیادی اساسی مقاصد کے تسلسل میں آج پی ڈی ایم کے تمام سربراہان نے ایک تفصیلی اعلامیے پر بھی دستخط کر دیے ہیں وہ اعلامیہ آپ کے حوالے کر دیا جائے گا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی سٹیئرنگ کمیٹی نے صوبوں کو لانگ مارچ کی تیاریوں کے سلسلے میں جو شیڈول دیے ہیں وہ شیڈول بدستور برقرار رہے گا مرکزی عہدیداران اور سٹیئرنگ کمیٹی کے وہ اراکین جن جن صوبوں سے تعلق رکھتے ہیں مرکزی عہدیداران جس جس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں
और स्टीयरिंग कमेटी के अराकीन जिस जिस सूबे से ताल्लुक रखते हैं वो अपने अपने सूबे में मेज़बान कमेटी होंगे और अपने अपने सूबे की तमाम सियासी जमातों के सरबराहान और उनके ज़िम्मेदारान जो PDM में शामिल जमातें हैं उनके इजलासात मुनक़द करेंगे ताकि अपने अपने सूबे में वहाँ पर लॉन्ग मार्च की तैयारियों की निगरानी कर सकें। साथ ही इजलास में इस बात पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया गया और इस बात की शदीद मजम्मत की गई कि ISPR ने जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स पर जलसे के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे के लिए दबाव डाला, मुख्तलिफ एंकर्स पर दबाव डाला, हम समझते हैं कि हम तो मीडिया की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, हम तो मीडिया की आज़ादी की जंग में मीडिया के साथ शाना बशाना खड़े हैं, लेकिन हुक्मरान और आमिराना ज़हनियत के हामिल लोग वो मीडिया को जानिबदार बना रहे हैं, वो मीडिया को अपने घर की लौंडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इस साजिश को मिलकर नाकाम बनाना है और एक कौमी सतह का एक बड़ा इवेंट जो लाहौर में मुनाकद हुआ जिसे इस तरह तारीख याद करेगी जिस तरह 1940 के इस मकाम पर इज्तिमा को तारीख याद करती है, उसको मनफी अंदाज के साथ अपने ही मुल्क के आवाम के सामने पेश करना इंतहाई घटिया किरदार है और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये आज के इस मीटिंग का एहरामियत आपने कहा था नवाज शरीफ जाओला का बेटा है, आपने कहा था कि नवाज के जो जरदारी और इमरान भाई ये सवालात ये वो सवालात हैं तमाम इस्लाबाद को बुलाकर एक कर दिया और आपको PDM जैसे खूबसूरत गुलदस्ते में प्रो दिया। ये वो सवाल है जो सोशल मीडिया के ऊपर उसके पीछे खास खास ग्रुप कार फरमा होते हैं और ये घिसे पिटे सवालात जो हैं वो अब मर चुके हैं। प्रेशर में ला रहा था, क्या आप आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा से मुतालबा कर रहे हैं कि ISPR को रोक दें जो ये काम कर रहे हैं? तो जाहिर है कि जब हम यहाँ पर उसके खिलाफ एहतजाज करते हैं और उसकी मजम्मत करते हैं तो यही मकसद है कि वो इस किस्म के घटिया कामों से रुक जाए। सवाल है, आज आपने मीटिंग ली CEC की CWC की, उसके बाद खबरें ये चली कि आपने खिलाफ भी किए और आप मुस्लिम नजर नहीं आए, क्या खबर ठीक है या उसको? देखें, बहुत अफसोस की भी बात है, सॉरी मौलाना साहब, बहुत अफसोस की भी बात है और बतौर पाकिस्तानी मेरे लिए बहुत फिक्र अंगेज बात है कि जिस बात का सिरे से वजूद ही नहीं आपने वो झूठी बात चंद चैनल्स ने चलाई और मैं आज उन चैनल्स का नाम अभी नहीं ले रही, मैं उनको वक्त दे रही हूँ कि वो इस किस्म के प्रोपेगेंडा से बाज आ जाएं। मैंने वो मेरी वीडियो भी है, ऑन रिकॉर्ड है, मैंने दोनों हाथों से अपनी पार्टी को, अपनी लाहौर की क्यादत को, लाहौर के MNAs को, लाहौर के MPAs को दोनों हाथों से सलाम किया, उनकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया, उनकी एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया, उन्होंने दिन रात एक किया और ये जलसे से पहले भी जिस तरह से वो रैलीज मेरी हुई हैं माशाल्लाह लाहौर के चप्पे चप्पे में पूरे पाकिस्तान ने देखा है वो। और दूसरी बात ये कि जिस तरह का कल माशाल्लाह वहाँ पर जलसा था, जलसा मैंने बल्कि ये ज़रूर बात मैंने कही थी
कि मुझे इस बात का गिला है आपसे कि आपने जलसागार छोटी रखी और छोटे होने के वजह से लोगों को बाहर पुल पे खड़े होकर खिताब सुनना पड़ा, बाहर जो सड़कें थी वो जैम हो गई, ट्रैफिक गुजर नहीं सकी, हमारे जो बहुत सारे एक जलसा जलसागाह के अंदर हो रहा था, एक जलसा जलसागाह के पीछे हो रहा था, वो लोग जलसागाह में नहीं आ सके, एक जलसा सड़कों पे हो रहा था। तो मैं शायद खाकान अब्बासी साहब कोई घंटा तखीर से पहुँचे क्योंकि इनको रास्ता नहीं मिला सड़क से जलसागाह में आने का। मुझे उन्होंने आज बताया कि मैं मोटरसाइकिल पे किसी की मोटरसाइकिल पे बैठ के जलसागाह में पहुँचा हूँ। उस वक्त तक तकरीबन काफ़ी जलसा हमारा गुजर चुका हुआ था। तो मैं पूरी ज़िंदगी, आप यकीन करें, मैंने कभी ऐसा जलसा नहीं देखा जहाँ इतनी शदीद ठंड के बावजूद मुझे कोई कुर्सी नज़र नहीं आई। मुझे नहीं पता जो वहाँ पर पंडाल में कुर्सियाँ रखी गई थी वो कहाँ चली गई। लोग खड़े रहे, घंटों खड़े रहे और जलसा उन्होंने खड़े होके देखा और सुना, क्योंकि साउंड सिस्टम की रश होने की वजह से तारें भी टूट गईं, लाइटिंग की भी लाइट्स भी ऑफ हो गईं क्योंकि तारें टूट गईं। लोगों को ना सही से आवाज़ आ रही थी, ना लोगों को सही से बैठने की जगह मिली। लेकिन मैं हैरान हूँ कि मैंने इतना जज्बा अपनी पूरी ज़िंदगी किसी जलसे में नहीं देखा। इतनी सर्दी के आप यकीन करें, हम लोग स्टेज पर बैठे हुए थे, जब मैंने कल जलसे में कहा कि मेरी कुल्फ़ी जम गई तो इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं थी, मुझे इतनी सर्दी लगी कि मेरी थोड़ी तबीयत भी गाड़ी में जाके ख़राब हो गई। और जब मैंने सीढ़ी से उतरना था जलसा आगाह से वापस जाते वक्त, तो मुझे 20 मिनट आप लोगों के कैमराज वहाँ थे, आपकी DSNGs भी थी, मैं देख रही थी, मुझे 20 मिनट सिर्फ इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि आवाम 5-6 घंटे के बावजूद वो समंदर की तरह वहाँ मौजूद थी और मेरा रास्ता बनाने के लिए 20-25 मिनट उनको लग गए। तो मैं ये चैलेंज करती हूँ कि इतनी सर्दी में अगेंस्ट ऑल ऑड्स, कोरोना भी है, हुकूमत के ये फैशिस्ट हथकंडे भी हैं, कुर्सियाँ नहीं देंगे, बट कढ़ाई वालों के ऊपर मुकदमा काट देंगे और इजाज़त नहीं देंगे, पानी छोड़ देंगे, उसके बावजूद लाहौर ने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। हाँ, जलसा गाह छोटी थी, बड़ी होनी चाहिए थी, लोग हज़ारों की तादाद में बाहर और पीछे खड़े थे। लेकिन एक और बात, हम अभी घर से नहीं निकले थे 12 बजे के करीब, तो ये 2-3 चैनल्स ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था और उसके बाद उन्होंने कि 2000 हैं, 3000 हैं, 4000 हैं, जलसा गाह भर नहीं रही, तो ये तो प्रोपेगेंडा में 12 बजे, अभी मैं घर से नहीं निकली थी तो ये प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। लेकिन मुझे, देखें, जिसको हकीकत का पता है उसको पता है। हुकूमत को भी आज जो ख़बरें मिली हैं, जो वहाँ पे लोग एजेंसीज के मौजूद थे, जो ख़बरें उन्होंने दी होंगी, मुझे पक्का पता है कि उधर जो है वो सफ़े मातम बिछी हुई है। और जैसे उनको सुबह नमाज के बाद की बिल्कुल, और आपने आपने सच नहीं दिखाया, कुछ चैनल्स ने सच नहीं दिखाया, लेकिन फॉरेन मीडिया जिसमें अल जजीरा भी शामिल है, BBC भी शामिल है, उन्होंने हमारे चंद एलिमेंट्स जो है मीडिया को उसको आईना दिखाया। आज ये बात वो इसलिए कर रहे हैं कि वो खुद प्रेशर में हैं, ये बातें प्रेशर में की जाती हैं जो वो कर रहे हैं, वो प्रेशर में हैं तो तभी ये बात कर रहे हैं। क्या अगर आप उनके मुजाकर की दावत रखती है आपको, क्योंकि मेन फरीक जो है वो आप ही PMLN है, अब सिलेक्टर की तरफ से मुजाकर की दावत आती है तो क्या उनके सिलेक्टर के साथ हम मुजाकर करने को बैठने को तैयार हैं आप? मैंने ये बात पहले भी कह चुकी हूँ कि हम अब अवाम की अदालत में जा चुके हैं, अवाम के साथ हमारी बात हो रही है और अवाम के साथ ही हमारी बात होगी, चाहे वो सिलेक्टेड हों या सिलेक्टर्स हों, अब उनको पीछे जाना पड़ेगा। अब अवाम अवाम लीड करेगी, आगे चलेगी। आपने कहा बातचीत का वक्त खत्म हो चुका है, अब आपने अल्टीमेटम भी दे दिया है, आपने बातचीत का दरवाज़ा खुला रखा है या आपको कोई बात नहीं होगी? और दूसरा, अगर फौज बातचीत के लिए तैयार होती है तो जैसे मरियम बीबी ने कहा था कि हम अवाम के सामने बातचीत को तैयार हैं, तो तैयार हैं? दो चीज़ें हैं, एक तो हम अकेले नहीं हैं, हम सब एक हैं और जो भी फैसले हम करेंगे हम सब मिलके करेंगे, PDM के प्लेटफॉर्म से करेंगे।
जहाँ तक डायलॉग की बात है, बातचीत की बात है, मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मैं समझता हूँ पीटीएम का जो इस वक्त का मौकफ है वो लाहौर के सामने कल पेश कर लिया था कि द टाइम टू टॉक, द टाइम फॉर डायलॉग इज़ ओवर, अब मार्च करने का वक्त है, अब इमरान का इस्तीफ़ा लेने का वक्त है। सियासी जमात होते हैं और हमारे अपने अपने बड़े सीनियर रहनुमा भी होते हैं, अपना राय रखने के हक भी है, लेकिन जो अल्टीमेट फैसला हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करती है तो फिर मैं भी उस पे पैबंद हूँ और एतजाज अहसन साहब भी उस पे पैबंद हूँ। मैं जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब से मिलने जा रहा हूँ वो तो हमारा रवायत का हिस्सा है, मुझे मौका नहीं मिला है ताज़ियत करने के लिए, तो मैंने एप्लीकेशन डाला है, अब देखते हैं मुझे इजाज़त दिया जाता है या नहीं। इसके लिए हमने आपस भी मैंने जब पिछली दफ़ा इधर आया था तो मरियम शरीफ साहिबा से भी इस पे बात किया था, तो मैं समझता हूँ कि ये मुशावरत के नतीजा में है। देखिए ये तो अब कबल अज़ वक्त है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान में जो ये नया ट्रेंड इस सिलेक्टेड और इसकी हुकूमत ने बनाया है दुश्मनों की तरह मुखालिफीन को ट्रीट करने का, तो मैं समझती हूँ कि हम सारी डिफरेंट जमातें, हम एक कॉमन एजेंडा पे जो अवामी एजेंडा है, पाकिस्तान का एजेंडा है, लार्जर इंटरेस्ट में जो एजेंडा है, हम उस पर मुत्तफिक हैं, और अगर इसको बियॉन्ड इमरान खान की हुकूमत जब चली जाएगी इंशाल्लाह, और ये हम इसको इंशाल्लाह एक ब्रॉडर पाकिस्तान के एजेंडे पे इस पर ज़रूर काम करेंगे और करना चाहिए। हम एक दूसरे के हरीफ ज़रूर है इंतखाबी मैदान के अंदर, लेकिन एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं और इसको आगे बढ़ना चाहिए। एक मिनट मैं एक बात करता हूँ। देखिए सियासी जमातें अपनी मुस्तकिल हैसियत रखती हैं, अपना अपना मंसूर रखती हैं और उसी मंसूर की बुनियाद पर सियासी पार्टियाँ इलेक्शन लड़ती हैं, लेकिन जो मिसाक़ जमहूरियत किसी ज़माने में तय हुआ था उसमें, और आज फिर हम कुछ मुल्क के सियासी, इक्तिसादी, माशी, अदालती और बहुत से पहलुओं पर एक मुश्तरका मौक़िफ और नज़रिया उस पर आज हम दस्तखत कर चुके हैं। वो चीज़ें जिसकी भी हुकूमत होगी हम सब के मद्देनज़र रहेंगी, और वो एक जमहूरी हुकूमत होगी जिसके कमज़ोरियों की निशानदेही करना तो इस भी इख्तलाफ का हक होगा, लेकिन वो उस सूरत में जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुँचाएंगी बल्कि इन मुश्तरक मकासद के लिए एक दूसरे से ताउन के रास्ते पर चलेंगे। ये एक नज़रिया तय हो चुका है। ये जो आप कभी पूछते हैं अगर उन्होंने अगर आए तो देखा जाएगा, हम भी बैठे हैं ना, यानी अगर है ही नहीं सिरे से अभी तक, और उनकी तरफ से न कोई ऐसी बात है, हमारी तरफ से वाजह है कि हम कोई बात इनसे करने को तैयार नहीं, और अगर ये इस्तीफ़ा का ऐलान कर देते हैं, असम्बलियों को तहलील करके नए इलेक्शन का ऐलान कर देते हैं और उसके बाद फिर कोई ऐसी तजवीज़ आए जो हम समझें कि अब उस पर बातचीत करने की ज़रूरत है तो पीडीएम फैसला करेगा, एक पार्टी फैसला नहीं करेगा। उस रश में तो मुझे तो पता नहीं चला वो उन्होंने क्या कहा, लेकिन आप पढ़े लिखे आदमी हैं, खुद तारीख को मुताला कर ले पता चल जाएगा। नहीं, हम समझते हैं कि जब हिंदुस्तान के साथ कहीं टेंशन हो, सरहदी टेंशन हो, इस हुकूमत में पाकिस्तान की दिफा की सलाहियत ही नहीं है, लिहाजा एक ऐसा मुस्तहकम निज़ाम मुल्क में होना चाहिए जो वतन अजीज़ के सरहदात की हिफाजत की सलाहियत रखता हो। हमें एक ऐसी दिफाई कुव्वत और दिफाई निज़ाम की भी ज़रूरत है जो सियासत में मुदाखलत न करे और अपनी पेशावराना जिम्मेदारियों की तरफ मुतवज्जे रहे।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, शुक्रिया। सॉरी आपको सर्दी में वेट करना पड़ा। नहीं,